राजधानी जयपुर में पुलिस की वर्दी पहनकर घरों में घुसकर लूटपाट करने वाली गैंग का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस गैंग में बड़ा खुलासा करते हुए चार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गैंग के बदमाश ऐसे घरों की रैकी करते थे जहां महिलाएं अकेले रहती हो और वारदात के लिए सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक का समय तय करते। इसके बाद बदमाश भय दिखाकर महिलाओं से रुपयों की डिमांड करते। जयपुर के बाकरोटा पुलिस ने शुक्रवार को गैंग के चार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। राजधानी जयपुर में पुलिस की वर्दी पहनकर लूटपाट करने वाली गैंग के चार बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और ये सही बदमाश उज्जैन मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। गुरुवार शाम को चारों पुलिस की वर्दी में सिरसे रोड स्थित चाय की दुकान पर गए थे जहाँ चाय की दुकान करने वाले पुलिस मित्र कमलेश चौधरी ने पुलिस की वर्दी देखकर उनकी पोस्टिंग के बारे में पूछा और इसके बाद शक होने पर चारों बदमाश वहाँ से निकल लिए। लेकिन पुलिस मित्र की सूचना पर बाकरोटा पुलिस ने पीछा कर चारों फर्जी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से पुलिस वर्दी और दो बाइक जब्त हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने मानसरोवर प्रताप नगर और अन्य जगह वारदात करने का प्रयास करना कबूल किए है। शहर के कई इलाकों में लोगों को डर धमका कर रुपये वसूलने का भी पता चला है। रुपयों की तंगी को मिटाने के लिए पुलिसकर्मी बनकर रुपये ऐंठने का प्लान बनाया और इसी प्लान के तहत पुलिस की वर्दी खरीद कर लाई। पिछले 6 दिनों से पुलिस की वर्दी पहनकर शहर के विभिन्न इलाकों में लोगों को डर धमका कर रुपये वसूल करने लगे और अब पुलिस ने इस गैंग के चार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया।